नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यू आर गॉड। देखिए, इस YouTube चैनल में मैंने आपको अपनी अलग अलग आध्यात्मिक अनुभूतियाँ बताई और ये बताने की कोशिश की कि आप लोग कैसे भगवान हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि यू आर गॉड, यू आर गॉड, यू आर गॉड। यू आर गॉड का मतलब होता है कि आप भगवान हैं। जी हाँ, मैंने देखा कि भगवान कल के अवतार का अंश हर मनुष्य के अंदर है, और न सिर्फ अंश, अंश की बातें तो हम बहुत पुरानी हो गई हैं कहने के लिए। देखिए, हमारी जो शक्ल सूरत, हमारी कद काठी पर्सनैलिटी, जो कुछ भी होती है ना, ये कोई बिल्कुल रैंडम नहीं है, बिल्कुल एक असामान्य बात नहीं है कि ऐसे ही हो गया हमारा जन्म, ऐसा नहीं है। देखिए, ईश्वर की इच्छा से ही हमारा जन्म हुआ है, उन्हीं की इच्छा से हमारा विकास हुआ है, और जैसे भी हम हैं, जैसी भी हमारी कद काठी, रंग रूप और हमारा जो पूरी की पूरी जो हमारी पर्सनैलिटी है, ये ईश्वर की मर्जी से और ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई है। जी हाँ, और यही वो तरीका है जिससे मैं ये पहचान पाता हूँ कि आपके अंदर ईश्वर है और आप यू आर गॉड। क्योंकि कल के अवतार जो है ना, उन्होंने मुझको इतने विभिन्न रूपों में अपने दर्शन दिए हैं कि उन्हीं के बारे में एक एक करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब कल के अवतार जो है उनको आप गॉड कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। ईश्वर का ही एक रूप है, एक ही नाम है जिनको मैं कल के अवतार के नाम से पुकारता हूँ। ठीक है, देखिए, कल के अवतार जो है ना, उनके वास्तव में वैसे तो होने को तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन उनके पांच प्रमुख रूप हैं। जी हाँ, जिससे मैं पूरी मानवता में उनको पहचान पाता हूँ, और उन पांचों रूपों के बारे में मैंने थोड़ा सा, अपने एक पुराना वीडियो है उसमें, फोर प्रोटोटाइप ऑफ गॉड नाम का एक मेरा वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी। देखिए, उनके बारे में ज़्यादा बात करना तो इसलिए पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं कहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन उसमें से अधिकांश हिस्सा एडिटिंग के दौरान मुझसे हटवा दिया जाता है, क्योंकि आप लोग अभी तैयार नहीं है वो सब सुनने के लिए, ये मान लीजिए। तो मुझसे क्या होता है कि अधिकांश हिस्सा तो हटवा दिया जाता है जो कुछ भी मैं कहता हूँ आपसे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल के अवतार की आंखों के बारे में मैंने जो वीडियोस बनाए थे, कल के अवतार की आंखें पार्ट वन पार्ट टू जो मैंने बनाए थे, तो देखिए, अधूरी बात बहुत खतरनाक होती है और उसको, बात को पूरी करना जरूरी है। तो ये थर्ड पार्ट है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में कुछ भ्रम आपके मन में आ गए होंगे, क्योंकि कल के अवतार की आंखों के बारे में मैंने बताया आपको, बड़ी 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 सी हैं, और उसमें है ना जो तमाम तरह के रंग हैं, हरे नीला काला सफ़ेद भूरा और तमाम तरह के कलर्स मैंने आपको बताए, तो ऐसा लगा जैसे किसी एलियन की आंखें तो नहीं हों। देखिए, वो एक विशेष दर्शन था जो कल के अवतार ने मुझे दिया, इस सारे सृष्टि को समझने के लिए, सारी जीव जगत को समझने के लिए, ताकि मैं मनुष्यों में ईश्वर को पहचान तो सकता हूँ, लेकिन फिर पशु पक्षियों में कैसे पहचान पाता। तो उनकी आंखें का वो जो विशेष दर्शन था वो अत्यंत आवश्यक था, उसी के द्वारा मुझको पशु पक्षियों में भी ईश्वर के दर्शन होना शुरू हुआ। जी हाँ, देखिए, कल के अवतार की जो आंखें होंगी ना, उनके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, श्री माँ ने सबसे पहले उन आंखों को देखा और उन कल के अवतार को देखा, और उन्होंने कहा, एक ही शब्द का उन्होंने, चाइनीज ओल्ड मैन। जी हाँ, चाइनीज ओल्ड मैन, ये शब्द का। अब आप देखिए, ये जो शब्द है ना, तो उन्होंने कहा कि वो उस योग का स्वामी है जिनको हम भगवान शिव कहते हैं, भगवान परशिव कहते हैं, और इस तरह की जो हम ईश्वर के बारे में जो परम उनके बारे में हमारी जो मान्यता है, सोच है, उसके बारे में उन्होंने ऐसा कहा। तो उसके बाद में फिर जब मुझको कल के अवतार के दर्शन होने लगे बार बार, और तमाम तरह की जो अनुभूतियाँ मुझे हुई जिनके बारे में मैंने एक एक करके आपको बताया, अभी से ही आगे भी मैं लगातार बताता रहूँगा, तो फिर मैंने देखा कि उनकी जो आंखें हैं ना, वो छोटी होंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि आप चश्मा लगाते हैं। ठीक है, अब चश्मे में आपके मोटे मोटे से लेंस हैं, अब उन लेंसेज को आप लगा लीजिए, लगाते होगा क्या कि आपकी जो आंखें हैं ना, वो इतनी बड़ी बड़ी सी नजर आने लगेंगी आपको। कोई फिल्टर लगा लीजिए, जैसे इंस्टाग्राम का फिल्टर हुआ या फिर स्नैपचैट का फिल्टर हुआ, इस तरह की सेल्फीज फोटोग्राफ वगैरह के लिए फिल्टर्स आते हैं ना, आप लोग तो स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो अच्छी तरह से जानते होंगे इस बारे में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आंखें बड़ी बड़ी सी हो जाती है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है, कल के अवतार ने जो वो मुझे दर्शन दिए थे उनके आंखों के विशेष रूप के, तो वो उसी प्रकार का एक दृश्य था। तो देखिए, हम कल के अवतार की जो आंखें होंगी ना, वो बिल्कुल सामान्य होंगी, और सामान्य आंखों में छोटी आंखें होंगी, और उसके अलावा वो अपनी जो आंखें हैं उनकी, अत्यंत दर्द और पीड़ा के कारण, जी हाँ, अत्यंत दर्द और पीड़ा के कारण, क्योंकि पीड़ा का भाव अवतारों में बना रहेगा। जी हाँ, यही एकमात्र ऐसा भाव है जो स्थायी भाव होगा, क्योंकि इस भाव के कारण ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पीड़ा का जो भाव है ना, जो अनुभूति है, उसी के कारण ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसलिए उनकी जो आंखें ना, वो उस दर्द के कारण छोटी हो जाएंगी, उस पीड़ा के कारण छोटी हो जाएंगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उसी से होता है। और अभी के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद।